हेलो फ्रेंड, यह है सैमसंग का गैलेक्सी J7 मैक्स और इसमें लगा हुआ है 5G लॉक। चलिए देखते हैं कि इसको इजीली कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरा वहाँ नेट कनेक्ट हो चुका है। तो मोबाइल में क्या पहले प्रॉब्लम है उसको दिखा देते हैं आप लोग को। फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड टाइप का मांग रहा है। तो इसका एंड्रॉइड वर्जन 8.1 है। तो फ्रेंड इसको इजीली तो कर सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। तो बैक कर लेंगे फ्रेंड पहले और एक सिम ले लेंगे और सिम में फ्रेंड जो है पिन लॉक लगा लेना है, PUK लॉक, और सिम को मोबाइल में इंस्टॉल कर देना फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें जो है इंटर अनलॉक पिन मांग रहा है, सिम लॉक। तो फ्रेंड पावर बटन और ये सिम इजेक्टर टूल को दोनों के एक साथ फ्रेंड प्रेस करना है। तो अगर फ्रेंड एक बार में अगर नहीं होता तो दो तीन बार ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड मेरा ये सिम का काम इतना ही था। ये ऑप्शन आ चुका है। फ्रेंड सिंपल से इसको ऐसे करना है और इसको इस तरह ले जा करना है, ये नोटिफिकेशन जाना है। YouTube अबाउट YouTube टर्म सर्विस स्टार्ट। अगर यहाँ हमको टाइप करना है VNROM.net /bypass। तो फ्रेंड ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। देखिए फ्रेंड यहाँ ओपन फाइल, फ्रेंड इसको इंस्टॉल कर लेना है जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। इसको डन कर देना है फ्रेंड। और एक एप्लीकेशन कवर हमको जरूर पड़ेगा, FRP बाईपास। फ्रेंड इसको इजीली आप अपने घर में भी कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। इसको भी इस तरह से इंस्टॉल कर लेना फ्रेंड। ओपन 3 डॉट पे प्रेस करना है, ब्राउजर साइन इन पर जो ओके। इस यहाँ पे आप कोई भी एक पुराना ईमेल आईडी डाल दें।
तो फ्रेंड देख सकते हैं कि इसमें हम साइनिंग हो चुके हैं, तो सिंपल मोबाइल को जो है रीस्टार्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड पहले मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं। फ्रेंड इसका हम एंड्रॉयड वर्जन और मॉडल दोनों चेक कर देंगे आपको। देख सकते हैं फ्रंट कैमरा मोबाइल फुल्ली ऑन हो चुका है, तो इसमें आपको मॉडल फ्रंट बता दे रहे हैं। तो फ्रंट देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।